नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीनल स्टोन के बारे में, मतलब किडनी में पथरी के बारे में। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमको कहीं ना कहीं पेशाब में जलन होने लग जाती है, पेशाब में रुकावट होने लग जाती है, प्रॉपर तरीके से हम पेशाब नहीं कर पाते हैं, या फिर पेशाब करने जाते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में और पेशाब बची हुई है। दोस्तों इस प्रकार के यदि सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत USG करवाइए, मतलब अल्ट्रासाउंड करवाइए। यदि उसमें आपको किडनी स्टोन दिखती है, मिलती है, तो दोस्तों आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि आपको किडनी स्टोन हो गया है तो कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिससे जड़ से बिना ऑपरेशन किए हम किडनी के स्टोन को निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो दवाई होम्योपैथी में आती है और जो सबसे प्रचलित दवाई है वह है बल्बेरिस वल्गरिस मदर टिंचर। दोस्तों बल्बेरिस वल्गरिस मदर टिंचर जो है काफी इफेक्टिव है किडनी के स्टोन के लिए। दोस्तों बल्बेरिस वल्गरिस मदर टिंचर जो है किडनी के स्टोन को धीरे धीरे पेशाब के रास्ते जो है बाहर निकाल देता है। दोस्तों अगली जो दवाई आती है दोस्तों वह है सरसेपेरिला मदर टिंचर। दोस्तों सरसेपेरिला मदर टिंचर बहुत अच्छा वर्क करता है। यदि आपको इस प्रकार की सिम्टम दिखाई दे कि आप जब पेशाब करें, पेशाब करने के बाद में आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ पेशाब अंदर और रिड्यूस रह गई है, या फिर पेशाब करने के बाद में आपको बहुत तेज दर्द हो, तो उस प्रकार के सिम्टम में सरसेपेरिला बहुत अच्छी दवाई सिद्ध होती है। सरसेपेरिला दवाई हमारे शरीर में जाकर के उस किडनी के स्टोन को धीरे धीरे तोड़ने लगती है और तोड़ करके उसके छोटे छोटे कणों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने लगती है। दोस्तों अगली जो दवाई होम्योपैथी में आती है वह है कैंथरिस मदर टिंचर। दोस्तों कैंथरिस बहुत अच्छी मेडिसिन सिद्ध होती है जलन के लिए, बर्निंग सेंसेशन के लिए और दर्द के लिए। दोस्तों यदि आपको किडनी स्टोन हो गया है तो निश्चित रूप से आपको बहुत तेज दर्द रहता होगा, आप जब पेशाब करते हैं तो बहुत तेज जलन होती होगी, तो उस कंडीशन के लिए कैंथरिस मदर टिंचर बहुत अच्छी दवाई सिद्ध होती है। दोस्तों अगली जो दवाई है वह है ऑसिमम केन मदर टिंचर। ऑसिमम केन बहुत अच्छी दवाई सिद्ध होती है। दोस्तों जब आपको दर्द इतना तेज हो कि दर्द किडनियों के रीजन से निकल करके और पैर तक जाए, मतलब कमर से आपको दर्द शुरू हो और दर्द नीचे पैरों तक जा रहा हो और दर्द के साथ में दोस्तों आपको नोशिया या वोमिटिंग भी हो रही हो, तो उस प्रकार की सिम्टम में ऑसिमम केन बहुत अच्छी दवाई साबित होती है। दोस्तों ये जो हमने मदर टिंचर बताए हैं यह एके स्टोन क्रेकर फॉर्मूला है। दोस्तों जो एके स्टोन क्रेकर फॉर्मूला है वो हमने बनाया हुआ है और काफी सारे पेशेंट इसी से ठीक किए हुए हैं। आपको सबसे पहले बर्बेरिस वल्गरिस मदर टिंचर को लेना है, दूसरी जो मेडिसिन हमने बताई आपको सरसेपेरिला मदर टिंचर लेना है, तीसरी आपको कैंथरिस मदर टिंचर लेना है और चौथी ऑसिमम केन मदर टिंचर लेना है। दोस्तों इन तीनों को आपको बराबर मात्रा में लेना है, बराबर में मात्रा में ले करके आपको दिन में 4 से 5 बार इसका उपयोग करना है। दोस्तों जी हाँ, दिन में 4 बार आपको आधे कप पानी में इसकी 20 से 25 बूंद डाल लेना है और खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आप इसको लेंगे तो धीरे धीरे आपका किडनी स्टोन लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही निकल जाएगा, यदि वह 10 से 12 एमएम तक का होगा। दोस्तों अगली जो दवाई आती है वह है डॉक्टर रेक्वेक की R27। दोस्तों R27 बहुत अच्छी दवाई है किडनी स्टोन के लिए। दोस्तों इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां मिली हुई है जो हमारे किडनी के स्टोन को तोड़ती है और यूरिन को साफ करती है, यूरिन का पथ जो है वो डायलेट कर देती है, जिससे जो स्टोन होता है वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है पेशाब के रास्ते। दोस्तों R27 को लेना कैसे है, आपको 1/4 कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, कुनकुना पानी आपको आधे से आधा कप पानी लेना है और इसमें आपको उसकी 20 बूंदे डाल देना है, R27 की 20 बूंदे डाल देना है और इसको दिन में 4 बार यूज करना है। दोस्तों ये जो हमने एक के स्टोन क्रेकर फॉर्मूला बताया है इसको और R27 को आपको साथ में लेना है, और यदि आपको राइट साइड में किडनी स्टोन है तो आपको लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की यूज करना है। लाइकोपोडियम को 2-2 बूंद दिन में 2 बार भी आप यूज करेंगे तो आपको राइट साइड जो भी अफेक्शन है वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। दोस्तों राइट साइड की किडनी स्टोन के लिए लाइकोपोडियम 200 बहुत अच्छी दवाई साबित होती है।
दोस्तों अगली यदि मैं बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा बर्निंग का सेंसेशन होता है, आपके जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें बहुत ज्यादा आपको फायर सेंसेशन होता है, जैसे आग लग गई हो उस प्रकार का सेंसेशन यदि आपको होता है तो कैंथरिस आपको 30 potency में यूज करना है। कैंथरिस को दोस्तों आपको 2-2 दिन में 3 बार यूज करना है, आपकी जो जलन वाली परेशानी है इससे दूर हो जाएगी। दोस्तों अगली जो दवाई आती है, यदि आपने ये सारी दवाइयां ले ली है और आपका किडनी स्टोन निकल गया है तो फिर से आपको किडनी स्टोन ना हो इसके लिए जो प्रिवेंटिव होता है वो होता है चाइना 1M। दोस्तों चाइना 1M जब आपकी पूरी पथरी निकल जाए और लास्ट में आप सोनोग्राफी में देख लें कि आपको अब किसी भी प्रकार का कोई स्टोन आपके शरीर में नहीं है तो आपको चाइना 1M लेना है। दोस्तों चाइना 1M को हर मॉर्निंग आपको लगभग 10 दिन तक प्रत्येक मॉर्निंग 2-2 बूंद आपको डायरेक्टली आपके टैंक पे ले लेना है। दोस्तों चाइना 1M 10 दिन तक यदि आप लगातार लेते हैं सुबह सुबह तो आपको जीवन में कभी भी किडनी स्टोन नहीं होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, जिनको भी किडनी स्टोन हुआ है उन सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।